हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनके पेट में गैस ज़्यादा बनती है, उसका कारण क्या है और एक सुपर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इस समस्या से निजात दिला सकती है, उसका नाम है रुबिनिया। कैसे यूज़ किया जाए, यूज़ करने के तरीकों को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, यानी कौन से लक्षण मिले तब इस दवा को लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा सिम्टम्स के बेसिस पर सेलेक्ट की जाती है। तो जिस तरह के सिम्टम्स हैं, जिस तरह की दिक्कत है, उसी के बेसिस पर सेलेक्ट होती है होम्योपैथिक दवा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो रुबिनिया मेडिसिन है उसका इंडिकेशन क्या है। तो देखिए, जो पेट में गैस बनती है उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक वो जो कि हम लोग खाते समय भोजन के साथ पानी के साथ कुछ गैस पेट में चली जाती है, एक गैस वो होती है, और दूसरी गैस होती है कि जब डाइजेशन होता है तब बनती है। तो देखिए, जब भी स्टार्च का डाइजेशन ठीक नहीं होगा तब पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च होता क्या है, जो आलू है, चावल है, चीनी है, यही सब स्टार्च हैं, यानी स्टार्च की एक टाइप है। अगर इसका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। तो देखिए, जो रुबिनिया मेडिसिन है इसके पेशेंट को एल्ब्यूमिनस पदार्थों का, यानी दूध या दूध से बने पदार्थों का या फिर मांस का, मछली का, इन सब का पाचन तो फास्ट ठीक से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है तब जब आलू चावल यानी स्टार्च के डाइजेशन की बात होती है। तो पहला इंडिकेशन यही है, देखिए क्लियर लिखा है, एल्ब्यूमिनाइड डाइजेशन रैपिड, यानी दूध या दूध से बने पदार्थों का, मांस का, मछली का पाचन रैपिड तरीके से हो जाएगा। और स्टार्च डाइजेशन परवर्टेड, जो स्टार्च है ये डाइजेशन इसका परवर्टेड है, मतलब उचित नहीं है, कमतर है, डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से। तो जब भी स्टार्च का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जब फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देंगे तो पेट में अत्यधिक मात्रा में गैस बनने लगती है। और दूसरा रीजन है हाइपर क्लोरोहाइड्रिया। तो देखिए, इसमें दो टर्म है, एक हाइपर और दूसरा क्लोरोहाइड्रिया। क्लोरोहाइड्रिया मीन्स HCl होता है, और HCl जब ज्यादा मात्रा में बने, तो देखिए जो स्टमक है ना, स्टमक की जो वाल है, दीवाल है स्टमक की, इसी में बनता है HCl। HCl बनता है ताकि फूड सप्लीमेंट का डाइजेशन स्टार्ट हो सके। इसी HCl की वजह से यहाँ का जो pH है, यानी जो एसिडिक का पैरामीटर है, 1.8 से 2.0 होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है। इसलिए हम लोग कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है pH कम होने की वजह से। अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्च का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, तब ये जो गैस है यूज नहीं हो पाएगी, यानी जो आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं उसी के करिस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ पर HCl बनेगा। अब स्टार्च लिखा है कि स्टार्च का डाइजेशन परवर्टेड है, मतलब ठीक से हो ही नहीं रहा, तो ऐसा HCl जो स्टार्च के डाइजेशन में यूज होता, स्टार्च के डाइजेशन में जो HCl यूज होता है वो तो यूज नहीं हो पाएगा, बचा रहेगा, मतलब एक्सेस में है, मतलब बचा हुआ है। इसी वजह से तो है हाइपर, हाइपर मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ना, तो हाइपर क्लोरोहाइड्रिया, एसिड ज्यादा बन रहा है। जब एसिड ज्यादा बनेगा तो ये जो HCl होता है ना, गैस होता है, HCl क्या है, गैस, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन है, तो रूम टेम्परेचर से कम है बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए गैस है। यानी ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, उससे कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए HCl गैस है। गैस है तो ऊपर जाएगा, तो इस तरह से जाएगा तो जो गला है, थ्रोट है, वहां पर जलन होगी। तो देखिए, इसीलिए एसिडिटी और फ्रंटल हेडेक, यानी गैस पेट में से ऊपर आती है तो एसिडिटी कास करेगा, थ्रोट में जलन होगा, और फ्रंटल हेडेक, यानी जो सामने वाला हेड है उसमें दर्द होगा, फ्रंटल हेडेक ना। और एक्रिड ग्रेनेस वोमिटिंग, कभी कभार क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में गैस HCl बनेगी, उस वजह से एक्रिड जलन होती है
और उसके साथ साथ वोमिटिंग होगी। तो वोमिटिंग किस टाइप मटेरियल होगी? ग्रीनिश वोमिटिंग, यानी ग्रीन कलर की वोमिटिंग होगी ना, तो ग्रीनिश वोमिटिंग होगी। और नॉक्टर्नल बर्निंग पेन, रात को जब सो जाते हैं तो जलन होते रहती है गले में, तो नॉक्टर्नल बर्निंग पेन भी इंडिकेशन है। और सबसे खास बात देखिए लिखा है, ग्रेट डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड बाउल, पूरे पेट में गैस भरी रहती है और इंटेस्टाइन भी गैस से भरी पड़ी होती है ना। और फ्लैटुलेंट कोलिक, गैस बनती है उसके साथ साथ दर्द भी होगा। तो अगर ऐसा सिम्टम्स आपको मिल रहा है कि मछली मीट दूध ये सब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और फैट भी डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन स्टार्च का डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, और फ्रंटल हेडेक होता है, ग्रीनिश वोमिटिंग होती है, तो ये सब प्राइम इंडिकेशन है। अगर ऐसा इंडिकेशन आपको मिलता है तो रोबिनिया मेडिसिन लें, बेहतर तरीके से काम करेगी। तो देखिए किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ये रोबिनिया का क्यूब मदर टिंचर मिलता है। आप इसका 15 बूंद हाफ कप पानी में डालकर 3 बार लीजिए। तो रोबिनिया का मदर टिंचर आधा कप पानी में डालकर के इसको 3 बार लीजिए। खाली पेट लेना है, दवा खाने से 10 मिनट पहले या बाद में कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से जो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो नॉर्मल होगा तो गैस अपने आप बनना कम हो जाएगी। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए, हमसे जुड़ जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी नया अपडेट वीडियो का अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख के अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।